रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव इन दिनों एक ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जिसके बारे में खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक ने भी नहीं सोचा होगा। और मेदवेदेव का ये ऐसा ख्वाब है जिसकी जमीनी स्तर पर अभी तक कोई हकीकत नजर नहीं आ रही। दिमित्री मेदवेदेव का कहना है कि जल्द ही या फिर बाद में पश्चिमी देश यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए रूस से बातचीत की भीख मांगेंगे। मेदवेदेव का कहना है कि इसमें कुछ वक्त लगेगा, पश्चिमी देशों की सरकारें बदलेंगी और वो थकेंगे और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत की गुहार लगाएंगे। पश्चिमी देश उस सोच से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे जहां से उनके हितों को बहुत नुकसान पहुंचना शुरू होगा। उनके लिए रूस द्वारा छेड़ा गया युद्ध उबाऊ, महंगा और अप्रासंगिक हो जाएगा। मेदवेदेव का कहना है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो हमें उनके शत्रुतापूर्ण राजनीतिक शासन को खत्म करना होगा या फिर एकजुट पश्चिमी देश रूस को टुकड़ों में बांट देंगे। हालांकि दिमित्री ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि पश्चिमी देश कब और कैसे रूस से बातचीत की भीख मांगेंगे। हालांकि उनका ये जरूर कहना है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस का गुस्सा अस्तित्व की एक जंग है, ताकि रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण रखे।